खबर खनियाधाना से है, जहां 12 नवंबर को खनियाधाना और पिछोर के मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण और पंचायत विभाग और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री और खनियाधाना राजमहल के दामाद महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक दिवसीय दौरा हुआ, जिसमें पिछोर खनियाधाना के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सिसोदिया का पिछोर और खनियाधाना में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहले पिछोर पहुंचे, जहां पर पिछोर में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और खनियाधाना और पिछोर के फूड इंस्पेक्टर जगदीप सिंह लोधी, विद्युत विभाग के DEP अंकुर गौतम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। वहीं चमोरा में प्रभारी मंत्री सिसोदिया का स्वागत के दौरान भाजपा के नेता हरिवंश सिंह लोधी ने खनियाधाना के डिप्टी रेंजर रवि शंकर पटेरिया की शिकायत करते हुए कहा कि मेरे खाते की जमीन को रेंज क्षेत्र में बताकर उसको दर्शा दिया गया है, उस पर बाउंड्री वॉल करवा दी गई है। इसी को लेकर प्रभारी मंत्री ने एक्शन लेते हुए तत्काल मुख्य वन संरक्षक अधिकारी शिवपुरी को फोन कर कहा कि खनियाधाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया को स्थानांतरित तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए। तत्पश्चात खनियाधाना पहुंचे प्रभारी मंत्री सिसोदिया ने खनियाधाना के रेस्ट हाउस पर पहुंचकर थाना प्रभारी तिमेश छारी, नगर परिषद CMO, जनपद पंचायत CEO और तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई और एक्शन मोड में ईमानदारी से काम करने के अधिकारियों को नसीहत दे डाली। वहीं खनियाधाना के रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से के बाद खनियाधाना के राजमहल पहुंचकर जहां पर आतिशबाजी की गई, जमकर स्वागत किया गया और खनियाधाना राजमहल में मंत्री सिसोदिया ने रात्रि भोज किया, उसके पश्चात शिवपुरी के लिए रवाना हो गए। डी पिछोर को सस्पेंड किया है और एक फूड इंस्पेक्टर जो उपलब्ध नहीं हो पाया था उसको भी मैंने सस्पेंड किया। जनता तो आपको वोट देती है। पहले मैं खनियाधाना आया था वहाँ पे विजिट पे, और ये दूसरा मेरा पिछोर का लगा है। कुछ प्रशासनिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कक्काजू KP सिंह जी, महाबली आदमी हैं, तो उनका एक साम्राज्य यहाँ चल रहा है, सब अधिकारी उनके हिसाब से चलते हैं। मगर अब मैं आया हूँ तो निश्चित रूप से इसमें आप आज से परिवर्तन देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विधानसभा में संघर्ष कर रही है और यही नतीजा है कि पिछला चुनाव हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 2000 वोटों से जीतने दिया था। अब 2023 में ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है, मेरे लिए चुनौती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती है कि पिछोर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाना है। हमें अपना यहाँ से विधायक जिताना है और विकास के कार्यों को हमारी जो शिवराज सिंह की सरकार है, परम आदरणीय महाराज साहब की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, इसके विकास के कार्य को जनता तक, गरीब से गरीब, अंत्योदय तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य हमारा है।